तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पांच करंट पॉपुलर क्रिकेटर्स जो आईपीएल में कभी नहीं खेले। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद अब तक अफगानिस्तान के सबसे पॉपुलर बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2009 आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान जिम्बाब्वे 11 के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वह पावर हिटर बन गए क्योंकि वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले अफगानिस्तान के क्रिकेटर बन गए। उस पारी के दौरान उन्होंने एक शानदार 214 रन बनाए थे और उनके एफर्ट्स के कारण अफगानिस्तान ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में कनाडा को हराने के लिए 494 रनों का पीछा करने में कामयाब रही थी। और बाद में वह अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाए। और 2014 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 68 रनों की एक शानदार पारी खेली और इस पारी के बदौलत अफगानिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया था और इसीलिए मोहम्मद शहजाद को आईपीएल का हिस्सा होना चाहिए था। और 2018 एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ उनकी सेंचुरी यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि वह एक मैच विनर हैं। लेकिन टूर्नामेंट में जहां हर देश के खिलाड़ी लीग का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे, मोहम्मद शहजाद किसी भी फिटर को नहीं खोज पाए और वह मेन अफगानिस्तान खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, लेकिन वह आईपीएल में दुर्भाग्यपूर्ण शामिल नहीं हो पाए। नंबर 4 तमीम इकबाल। तमीम इकबाल दुनिया में कुछ अटैकिंग ओपनर्स में से एक हैं जो सबसे अंडररेटेड हैं और वह लॉर्ड्स में पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई। खैर भले ही आईपीएल एक T20 लीग है, लेकिन तमीम इकबाल किसी भी टीम के लिए खेलने का टैलेंट रखते हैं और उन्हें साल 2011 में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था और 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद 83 रन बनाए और उसके बाद ओमान के खिलाफ मस्ट विन एनकाउंटर में उन्होंने 63 गेंदों में धुआंधार 103 रनों की पारी खेली। इसीलिए वह T20 में पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी और उनका आईपीएल में न चुने जाने का सबसे बड़ा कारण उनका स्ट्राइक रेट हो सकता है जो सिर्फ 117 का है, लेकिन उनकी मैच जीतने की क्षमता किसी भी टीम के लिए एक एसेट हो सकती है। उन्होंने 78 मैचों में 1758 रन बनाए जो कि एक डिसेंट रिकॉर्ड है, लेकिन आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उनके यह रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं थे। नंबर 3 मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम एक विकेट कीपर हैं जो अक्सर गेंदबाजों को चेयर करने और फील्ड को चेंज करने में बिजी होते हैं। एक विकेट कीपर के रूप में वह बांग्लादेश के बेहतरीन कीपर में से एक हैं और उनके एक्सपीरियंस के बदौलत वह उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट में काफी ज्यादा योगदान दिया है। लेकिन रहीम गेम के सबसे छोटे फॉर्मेट में खुद को साबित करने में अनेबल रहे। रहीम ने अब तक 86 T20 मैच खेले हैं और उनमें उनका सिर्फ 19 का एवरेज है जो कि आईपीएल में कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं चाहेगी और उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 119 का है जिससे कोई भी फ्रेंचाइजी की अटेंशन उन पर नहीं जाती। और रहीम बीपीएल में दुरंटो राजशाही टीम के एक मेंबर हैं। ज्यादातर फैंस उनको इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के दौरान जल्दी सेलिब्रेट करने के लिए याद किया जाता है, लेकिन वह बाद में मैच हार गए। और रहीम किसी भी टीम के लिए एक अच्छे विकेट कीपर बैकअप हो सकते हैं, लेकिन वह आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में असमर्थ रहे। नंबर 2 जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए गए ग्रेटेस्ट पेस बॉलर हैं। उन्होंने 160 टेस्ट मैचों में 614 विकेट लिए। केवल कुछ बल्लेबाज उनकी स्विंग डिलीवरी का सामना करने में सक्षम है। एक लंबे करियर के बाद भी वह अभी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर देते हैं। पर अगर हम दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों की एक लिस्ट बनाए तो वह टॉप 10 में जरूर होंगे। हालांकि वह गेम के सबसे छोटे फॉर्मेट को अडॉप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने आखिरी T20 मैच 2009 में खेला और उन्होंने सिर्फ 19 T20 मैच खेले जिसमें उन्होंने 18 विकेट लिए और उनका T20 में इकोनॉमी रेट 7.85 का है जो कि डिसेंट है। और उनके बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे, लेकिन जेम्स एंडरसन ने कभी भी आईपीएल में नहीं खेला। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने आखिरी T20 मैच 2009 में खेला था और मुझे लगता है कि वह आगे भी आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। नंबर 1 जो रूट। जो रूट फैब फोर का एकमात्र मेंबर है जो आईपीएल फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं रहे और इसमें किसी डाउट की बात तो नहीं है कि वह इतने टैलेंटेड है कि उन्हें आईपीएल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, लेकिन आई
आईपीएल की फ्रेंचाइजी को इंग्लैंड के मेन बल्लेबाज में कोई डीप इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन उनके टी20 नंबर काफी डिसेंट हैं। उन्होंने 32 टी20 मैचों में 893 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 126 का रहा, और वह उस इंग्लिश टीम का हिस्सा थे जो 2016 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची थी, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब 35 का था पर उनका एवरेज 30 का था। पर रूट ने हर बार उस जगह प्रदर्शन किया जब उनके कप्तान इयान मॉर्गन को उनकी जरूरत थी। बल्लेबाजी के अलावा जो रूट ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, पर उनका टी20 में इकोनॉमी रेट बहुत ही खराब 9.93 का है। मे बी रूट को बाद में एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन वह किसी भी बिडर को खोजने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। पर ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर वह आईपीएल का हिस्सा होते हैं तो वहां पर कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये थे वो 5 करंट पॉपुलर क्रिकेटर जो आईपीएल में कभी नहीं खेले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।